हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल वी में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि शार्क पैनल किन किन इन्वर्टर के साथ कंफर्टेबल है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने शार्क पैनल के बारे में बताया था। शार्क पैनल यानी कहने का मतलब है कि यह लूम सोलर का 440 वाट का सोलर पैनल है जो कि हाफ कट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इसके बारे में मैंने सारी डिटेल बताई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आई बटन में आप जरूर जाकर देखिए इस पैनल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पैनल काफी अच्छा है और उस वीडियो पर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि यह पैनल किस किस इन्वर्टर के साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि UTL गामा प्लस, अल्फा प्लस, स्मार्टन के जो इन्वर्टर है उनके साथ कंफर्टेबल है या नहीं है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं UTL गामा प्लस मोस्ट फेमस इन्वर्टर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 24 वोल्ट का मॉडल है। बाकी तो जो UTL गामा प्लस सिंगल बैटरी यानी 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर है और UTL गामा प्लस 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर है, सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यह डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है 24 वोल्ट और इसकी VOC 3290 है। तो यहाँ पर आप जो लूम सोलर का शार्क पैनल है 440 वाट का, वह आप दो पैनल यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर VOC आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स शार्क पैनल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये है लूम सोलर का शार्क पैनल जो कि 440 वाट का है। यह आप UTL गामा प्लस 24 वोल्ट वाले मॉडल के साथ आप दो यूज कर सकते हो। पैनल की क्वालिटी काफी अच्छी है, इसमें हाफ कट सेल का यूज किया गया है। इसके बारे में मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिए इस पैनल को परचेज करने से पहले। पैनल काफी अच्छा है और यहाँ पर देखिए 9 बस बार यूज की गई है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए ये जो बीच में जो लाइनिंग होती है यह 9 है एक पैनल में, आप काउंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है काफी अच्छा रहता है और यहाँ पर ये इसका बैक स्टिकर है, इसके स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए इसकी VOC है 50। तो आप UTL गामा प्लस 24 वोल्ट वाले मॉडल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। यह है 440 वाट का शार्क पैनल जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का पैनल है। और फ्रेंड्स हाफ कट सेल पैनल की यह खास बात रहती है कि यहाँ पर यह सीरीज में ये सारे यहाँ पर जो पैनल है ये सारे सीरीज में अटैच रहते हैं और नीचे यह सारे भी सीरीज में अटैच रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर एक पैनल पर शैडो इफेक्ट आता है तो दूसरा पैनल अच्छा वर्क करता रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। यह एक खास बात है लूम सोलर के शार्क पैनल की। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं दूसरा इन्वर्टर। और फ्रेंड्स UTL गामा प्लस 24 वोल्ट मॉडल के साथ आप शार्क पैनल दो पैनल अटैच कर सकते हैं। और अब देखते हैं फ्रेंड्स स्मार्टन के RMPPT PCU, ये भी बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल PCU है, इसमें आपकी समर सेल वगैरह भी रन कर जाएंगे क्योंकि ये 2.5 KVA का इन्वर्टर है। आप 2 किलोवाट तक का लोड इस पे आप रन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में आप इसमें कितने शार्क पैनल यूज कर सकते हैं, ये काफी मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसमें लूम सोलर का जो शार्क पैनल है 440 वाट का, आप इसमें 4 पैनल यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी जो वोल्टेज होगी, तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो वाटेज बनेगी जाकर 1760 वाट जो कि इस इन्वर्टर के लिए सफिशिएंट है। और फ्रेंड्स ये इसके सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिए पढ़ लीजिए अगर आप यह इन्वर्टर परचेस करना चाह रहे हैं। इन्वर्टर भी काफी अच्छा है और इसके साथ लूम सोलर का जो शार्क पैनल है उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 4 सोलर पैनल से ही काम चल जाएगा, जो शार्क पैनल है उससे उसकी सिर्फ इसमें 4 ही यूनिट्स लगेंगी और यह अच्छा वर्क करेगा। और इसके बारे में ही मैंने वीडियो बनाया है इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। और इस पर आप अगर आप 2.5 KVA का सिस्टम बनाएंगे तो उस पर टोटल कितना कॉस्ट आएगा, इस पर ही मैंने वीडियो बनाया है। तो आई बटन में मैं सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप यह वीडियो जरूर देखिए इस सोलर सिस्टम को परचेज करने से पहले। और यहाँ पर इस पर भी 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है और इस इन्वर्टर के साथ भी जो शार्क पैनल है उसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस समय अभी 2500 का डिस्काउंट भी चल रहा है, जितने भी आप सोलर अप्लायंसेस परचेज करेंगे तो आपको 2500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो सोलर पैनल की VOC रेंज है वह 85 है, इसलिए आप जो 4 लूम सोलर के शार्क पैनल है उनको आप पैरेलल अटैच कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ बहुत अच्छा वर्क करेंगे लूम सोलर के 4 पैनल्स।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक चीप एंड बेस्ट स्मार्टफोन का RMBPT इन्वर्टर जो कि है 2.5 KVA का। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है और साथ ही साथ यहाँ पर 5 KVA के इन्वर्टर पर भी एक वीडियो बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे आपका बैटरी वगैरह भी रन कर जाएगी और अपने सोलर को कैसे सेट करना है जिससे आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 KVA के जो सोलर सिस्टम है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि क्या कॉस्ट आएगा और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। और साथ ही साथ लास्ट में मैंने UTL Alpha Plus 3 KVA पर भी एक वीडियो बनाया है, तो इन पांचों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो जाकर देखिए, काफी इन्फॉर्मेटिव है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।